उसी ने ये जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा मेरे दोस्त, सर पर जब शिव का साया है। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा हृदय से स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं आपकी राशि की, और खास तौर पे बात जब तारीख की हो तो 10 से 16 जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, गृहिणी हो, युवक हो, शिक्षक हो, सभी के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। आप सभी के सुझाव बहुत अच्छे लगे थे। पिछली बार जब साप्ताहिक राशिफल दिया गया तो आप सभी से एक विनती थी कि जो आपके सुझाव हैं, जो आप चाहते हैं इस राशिफल में देखना, वो सभी बताइएगा। आप सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करके अपने सजेशंस दिए और उन सजेशंस को इस राशिफल में इंप्लीमेंट करते हुए इसे बेहतरीन बनाने की कोशिश जारी रहेगी। जैसे कि आपको आज का राशिफल बहुत अच्छा लगता है, उसी तरीके से कोशिश यही है कि साप्ताहिक राशिफल भी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए। इस राशिफल के अंत में आपके साथ में इस हफ्ते के लिए विशेष उपाय सेगमेंट में बताने जा रहा हूं कि आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एवं कर्ज से मुक्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि की। तो मेष राशि के लिए यह हफ्ता बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना जा सकता है। यहां पर ना ही सिर्फ आप कमाई बहुत अच्छी करने वाले हैं, यहां पर भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। गज केसरी योग का निर्माण भी होगा, तो इसके कारण ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस बहुत शानदार है, लोगों का साथ समर्थन मिलेगा, पॉपुलैरिटी खास तौर पर इस समय में आपको जरूर मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए, खास तौर पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा माइनिंग का काम करते हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन का काम करते हैं, उनके लिए समय शानदार बनने वाला है। यहां पर कहीं ना कहीं सरकार के साथ में कोई प्लानिंग या फिर सरकार के प्रोजेक्ट आपको मिलने से बहुत ज्यादा अच्छी और शानदार कमाई हो सकती है। अपने स्टेटस में भी इजाफा देखेंगे, तो वहीं नौकरी पेशा लोग भी यहां पर जम करके कमाएंगे, अच्छी प्रशंसा प्राप्त करेंगे, तो क्लाइंट्स वाहवाही करते थकेंगे नहीं। पर हफ्ते के अंत में मैं ये कह सकता हूं, खास तौर पे शनिवार से आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। न ही सिर्फ पिताजी के साथ में मतभेद, बल्कि सीनियर्स का साथ ना मिलना नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो वहीं व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट नोटिस से या फिर गवर्नमेंट अधिकारियों से सामंजस्य ना बैठने के कारण परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ज्यादा समय के लिए नहीं होंगी, पर फिर भी कुछ समय के लिए इनके साथ में परेशान होना, जूझना पड़ सकता है। पर यहां पर यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं दिमागी घोड़े दौड़ने के कारण आपका काम फिर भी बन जाएगा। यहां पर गृहिणियों के लिए समय अति शुभ है। अच्छी शॉपिंग कर लेना, घर परिवार का पूरा साथ मिल जाना, माताजी पिताजी के साथ में अच्छा वातावरण आपको मिलेगा, तो वहां पर हर कोई आपकी प्रशंसा भी करते नजर आएंगे। यहां पे खास तौर पे खुद में भी कॉन्फिडेंस बहुत है, तो यही कहूंगा कि अपने हस्बैंड को, या फिर यहां पर चाहे हम गृहिणी की बात करें या आदमी की बात करें, पुरुष या महिला दोनों में से जो भी है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय को बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। चाहे बाहर घूमने की बात है, अपने बच्चों के साथ में कहीं बाहर निकलने की बात है, तो वो इस समय में आपको करने का मौका जरूर मिलने वाला है। छात्रगण जो है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस समय कहीं प्रोजेक्ट्स अगर आपको मिले हैं, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन पास में आ रही है और अभी तक आपके तैयार नहीं हुए हैं, तो अब सीरियस होने का मौका आ चुका है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, हाथ से फिसलने नहीं देना है, ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। आपकी कहीं ना कहीं लापरवाही कहें, लेथार्जिक एटीट्यूड कहें, इसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर अगर एक्टिव रहोगे, अपने काम पर फोकस करोगे, तो कह रहा हूं फेम तो आपको मिलेगी ही, अपने कैरियर में शानदार उछाल भी देखने को मिल सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से गवाइएगा मत। हेल्थ के मामले में यह हफ्ता आपके लिए ओवरऑल बेटर रहेगा, परेशानी की बात नहीं है, पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ आमदनी को लेकर के जो कहीं परेशानी अंत में आ सकती थी, उसके लिए आपको उपाय इस राशिफल के अंत में मैं दे रहा हूं। यह तो हुई बात इस सप्ते के राशिफल की। अब बात करते हैं यहां साप्ताहिक राशिफल के विशेष उपाय की। सबसे पहले, मांसपेशियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरीके से परेशान हो रहे हैं,
तो ऐसे में उपाय के तौर पे सोमवार से लेकर के रविवार तक लगातार एक साधारण सा उपाय करना है। गन्ने का रस और छाछ, इनसे शिवलिंग पर अभिषेक करना है। ऐसा करने से राहत प्राप्त हो सकती है। दूसरा उपाय आपको बताता हूं, जिन लोगों के लिए मैं ये कहता हूं कि मानसिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है, सर्दी जुखाम या मौसमी बीमारियों से परेशान होना पड़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की आपको समस्या आ रही है, तो इस हफ्ते में आपको शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित दूध की धार से रुद्राभिषेक करना है। और पूरे हफ्ते करें तो बेहतर है, वरना सोमवार के दिन तो आपको करना ही करना है। फिर बात आती है आपके आर्थिक उन्नति की, तो ऐसे में एक बहुत साधारण सा सरल सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी नदी में या तालाब में आपको आटे की गोलियां जो होती है वो बना करके मछलियों को खिलानी है। जब तक आप ये गोलियां बना करके खिला रहे हैं, तब तक आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और ओम श्री महालक्ष्मीये नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है जितनी जितनी आप गोलियां डालते हैं। यहां पर इसको कहा जाता है कि भगवान विष्णु से संबंधित ये उपाय है और धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में वास करेंगी और धन वैभव प्रदान करेंगी। फिर बात आती है अपनी आमदनी की, आमदनी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि श्रावण माह चल रहा है, तो इसमें किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग अगर आप स्थापित कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि पारद शिवलिंग जो है वो प्राण प्रतिष्ठित हो। और इस श्रावण माह में ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, अगर इस पे भी संपर्क करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित पारद शिवलिंग एवं आपके लिए चरण पादुका हो, रुद्राक्ष माला हो, जागृत रुद्राक्ष माला हो, तो उन्हें आपके लिए यहां पर निर्माण किया जा रहा है। पूजा पाठ से उनको शक्तिशाली बनाने का यहां प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में पारद का शिवलिंग हो और प्राण प्रतिष्ठित हो, तो सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसके बाद में जब प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग आपके घर में है, तो एक काम करना है, पूजा करते समय ओम एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय, साधारण सा मंत्र है, ओम एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय, 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और हर मंत्र के साथ में बिल्व पत्र जो है उसको पारद शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो एक एक पत्ते पर एम रीम और श्रीम आपको लिखना है। ये 107 बार आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, 108वां बिल्व पत्र जो चढ़ाएंगे जिसपे आपने एम रीम और श्रीम लिखा है, ये चढ़ा करके वापस लेंगे और अपने पूजन स्थान पर रख करके हर रोज उसकी पूजा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय जो करता है वो व्यक्ति की आमदनी में इजाफा या ये कहें वृद्धि जरूर देखने को मिलती है, घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। ये उपाय बताने का संदर्भ ये है कि ये हफ्ता जो है आपके लिए ये कैसे खास बन सकता है। साप्ताहिक राशिफल की पहल तो की है, पर सिर्फ ये जानना कि परेशानियां क्या है वो काफी नहीं है, ये जानना कि परेशानियों का हल क्या है ज्यादा जरूरी है। इसी बात को समझते हुए आप सभी के लिए यहां पर इस हफ्ते के लिए मैंने आप सभी को उपाय बताए हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।